ये मुसलमान गुंडागलो इन आतंकवादिया इनो टेररिस्टा इनो जिहादिया इनो इनो हमारे हिंदुओं को इनो हमले कर रही ये कर रही बोलकर ये करता है और हिंदुओं से भी क्या खामोश बैठी क्या बोलकर प्रवोक करता है। जो मंडिया के मेन रोड पर जो छोटे छोटे दुकानदार है वो सारे दुकानों को मारकर तोड़कर जलाना नुकसान करना मुसलमानों को इस अंदाज से ये करते हैं। कोई लीडर ऐसा नहीं बना कि जाकर उनको तसल्ली दे। आज हमारे ऊपर जब गैर हमले कर रहा है जो आरएसएस के बीजेपी के जब हमले कर रहे हैं तो इनके जबाने बंद हो चुके हैं। ये भी गुजारिश करता हूँ तमाम MLA से कि जाओ कि जाकर वहां सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि मजलूम जो माजूर गैरों को भी इसके अंदर सपड़ गई। ये हकीकत क्या है बोले तो ये शरारत है, ये सियासतदानों की शरारत है। ये मंडिया के पास मंडिया ज़िले में नागमंगल जो ये है वहाँ पे गैरों की तादाद 70% 30% मुसलमान हैं। बहुत सालों से वहाँ की भाईचार गया हिंदू मुसलमानों की, इस बार एक ऐसी शरारत हुई जो ये गणेशा को उस इलाके का गणेशा नहीं जो गणेशा बिठाया गया था उस मोहल्ले का नहीं, वहाँ से खरिया है 5 किलोमीटर दूर उस खरिये का गणेशा है ये। तो वो गणेशा यहाँ लाने के वास्ते पुलिस से परमिशन मांगे, ये लोगों ने पुलिस परमिशन नहीं दी, तुम्हारा है उस तरफ तो मैं की इधर लाती हूँ बोलकर पुलिस मना कर डाली, परमिशन नहीं दी पुलिस। उसके बावजूद ये शरपसंदों ने फसाद करने के लिए ये गणेशा जबरदस्ती से जो मस्जिद और दरगाह है उस गली में आए। आने के बाद जो इनकी शरारत थी ये हथियारों के साथ यानी कि लाठी डंडों के साथ कोयतों के साथ चाकुओं के साथ गणेशा के साथ में ये आते हैं। आने के बाद जिस वक्त नमाज हो रही थी या शाम की नमाज तो उस नमाज के वक्त आकर शरारत इनकी DJ का जोर से साउंड होता है। जब पुलिस आती है आने के बाद पुलिस रोकती है, वहाँ पे शरारत इनकी ऐसी होती है कि पहले इन लोगों की वजह से इन लोगों की तरफ से पहले फतरा हो जाता है मस्जिद के ऊपर, चप्पलें फेंकते हैं ये हरामखोरों ने, बाद उसके बाद पुलिस रोक कर वहाँ पे थमाती है और वहाँ से गणेशा लेकर स्टेशन को पुलिस स्टेशन को लेकर चलाती है पुलिस। उसके बाद ये लोग सब जाकर मिलकर वहाँ पे धरना देते हैं। कौन ये जो RSS के चड्डी गैंग के पिल्ले है ना ये सब मिलकर जाकर वहां पे जाके धरना देते हैं, पुलिस से टकराव होता है उनका, ये पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं पत्थर फेंकते हैं। जब पुलिस वहां भी लाठी चार्ज होती है तो उस वक्त वो होने के बाद एक हरामखोर है ईश्वरप्पा, हमेशा मुसलमान गुंडा करके बोलता है वो हरामखोर का एक स्टेटमेंट रहता है, ये मुसलमान गुंडागलो इन आतंकवादिया इनो टेररिस्टा इनो जिहादिया इनो इनो हमारे हिंदुओं को इनो हमले कर रही ये कर रही बोलकर ये करता है और हिंदुओं से भी क्या खामोश बैठी क्या बोलकर प्रवोक करता है, उकसाता है हरामखोर। एक प्रताप सिंह उसका चमचा उसका छेला जो है वो बोलता है कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान यानी कि हिंदुओं की औलाद बोलकर मालूम नहीं, इसके परदादा उसके दादा मुगल की औलाद बोलकर मालूम नहीं है, ये मुगल के खतरे से पैदा हुआ हरामखोर है ये, जो ये लोग बोलते हैं कि हमें इनकी औलाद बोलकर, तो वो एक स्टेटमेंट दे के भड़काता है हिंदुओं को। बात तीसरा है जो तेजस्वी सूर्या जो है वो भी इसी तरीके से एक स्टेटमेंट देता है कि हम क्या इनको पूछ कर हमें गणेशा बिठाना, क्या हमें सेफ नहीं किया हमारे देश में ये बोलकर, तो हमें ये करना क्या हिंदुओं से भी क्या कर रही हिंदू खतरे में है, इस अंदाज का बयान सुनकर वहां पे क्या होता है जब ये चड्डी गैंग को ये लोग प्रवोक करके मुसलमान पुलिस के ऊपर भरोसा करके आराम से सुकून से घर में सोता रहता है मुसलमान, जब उस वक्त ये चड्डी गैंग हरामखोरों ने 200 का मजमा निकलता है तलवार और चाकुओं के साथ, इसके साथ कपड़े बांध कर निकलते हैं ये हरामखोरों ने, मुसलमानों के छोटे छोटे जो ताजिर हैं
जो मंडिया के मेन रोड पर जो छोटे छोटे दुकानदार है वो सारे दुकानों को मारकर तोड़कर जलाना, नुकसान करना मुसलमानों को, इस अंदाज से ये करते हैं कि इन्हीं के लोगों ने जब एक 20 से 25 मुसलमानों के दुकानों पे लूट कर जला कर हैं, तो ये हरामखोरों ने मुसलमानों के ऊपर डालने के वास्ते क्या करते हैं, वो उन्हीं के हिंदू भाइयों के दुकानों को वही हमला करते हैं। ये सब पुलिस को मालूम है। ये पुलिस एफ आई आर जब करती है तो सारे जितने भी आरएसएस के चड्डी गैंग है उनके नाम पर करके है, जो करकर हैं, सीसीटीवी में आकर है ये लोग सभी जो करकर हैं उनके नाम से, A1, A2, A2 सब पूरा कंटिन्यू उन लोगों का है। जब हमारे मुसलमान नौजवान चंद मुसलमान ये क्या हो रहा है ये बोलकर अपने डिफेंस के वास्ते, अपने बचाव के वास्ते जाकर खड़कर हैं, वो भी कैमरे में आकर हैं, कोई मुसलमान की तरफ से वहां पे गलती होकर नहीं है, ये सारे हरामखोर इन्होंने एक साजिश कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक एक अमन का शहर है, हिंदू मुसलमानों की भाईचारगी बहुत अच्छी है, इससे खलल डालने के लिए ये सेंट्रल की साजिश यहां पे कर्नाटक के अंदर होना, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को गिराना बोलकर, ये कुमार स्वामी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और बीजेपी का भी बहुत बड़ा हाथ है। कुमार स्वामी एमपी है वहां का, वो सोच रहा था कि क्या मौका मिलता है मैं मुसलमानों को ये करूं बोलकर, जो इसे मौका मिल गया वहां पे जाके तसल्ली, झूठी तसल्ली देकर एक नाटक करता है, 10 या 15 हजार एक फ्रूट के व्यापारी को देकर एक नाटक करता है कुमार स्वामी। ये तो ये अफसोस हमें एक दर्द हो रहा है, क्यों बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट 90% या 95% हमें लोग पूरे मिलकर मुसलमान है। इस बार जो कांग्रेस रुक कर है, हमारे वोटों की बदौलत, हमारे उलमा की मेहनत, हमारे नौजवानों की मेहनत, हमारे सब साथियों की मेहनत से आज कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आई। वादा कर है मुसलमानों की हिफाजत के वास्ते, मुसलमानों के बच्चों के हिजाब के वास्ते, टूबी के वास्ते, और जो भी हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट हमें नुकसान पहुंचा कर है उसे पूरा भरपूर हम ये करेंगे, वादा कर आकर बैठ कर हैं। नौ नालायकों को हमने दिया है इनको चुनकर, नौ इनके जो हमारे जो इसके हैं वो नालायक हमको देकर है, लेकिन हम सारे हिंदू एमएलए भी लाकर है, इसमें क्रिश्चियन एमएलए भी लाकर है, सब एमएलए को जिता कर है कर्नाटक की मुसलमान। आज हमारे ऊपर जब गैर हमले कर रहा है, जो आरएसएस के बीजेपी के जब हमले कर रहे हैं, तो इनके जबाने बंद हो चुके हैं, इनके अल्फाज नहीं खुल रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, ये नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये जो होकर 3 दिन हो रहा है ये हादसा, जो आरएसएस के लीडर जितने भी हैं बीजेपी के हैं वहां पे जाकर वहां स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो जो उनके जो 5 नाटक करके 5-6 दुकानें जलाए हैं उनको ताउन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम हिंदुत्व है, हमें हिंदू सेफ में होना, तो हिंदुओं को बचाना है बोलकर, लेकिन हमारे लीडरान और हमारी सेफ्टी करने वाले जो जबान देकर आकर है कांग्रेस, सिद्धरामैया रहो या डी के शिवकुमार हो, वो हमारे जो नौ के नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन जो इन्होंने वादा कर है वो क्या कर रहे हैं, अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अच्छी है वहां पे, माशाल्लाह पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर है। अब पुलिस के काम में खलल डाल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एफ आई आर बदलाओ, ये करो वो करो, A1 क्यों डाले हिंदुओं को, मुसलमानों को डालो बोलकर। लेकिन मैं अपील करता हूं कर्नाटक के मुसलमानों से, जो हालात जो लाना चाह रहे हैं, जो यूपी के हालात यहां लाना चाह रहे हैं, कांग्रेस रहो कोई भी पार्टी रहो, मुसलमानों की कोई नहीं हो सकती, मुसलमान अपनी हिफाजत थी मुसलमान खुद करना है, भरोसा मत करो। हिकमत से हमें किस अंदाज से चलना है वो तरीके से चलेंगे। हिंदू मुसलमान भाईचारगी बड़ी अच्छी है, पड़ोस से अच्छा हमें व्यवहार करना है हिंदुओं से। और दूसरी बात क्या है, मिलादुन्नबी जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसका जो मिलादुन्नबी हमें मना रहे हैं, अब जो जुलूस आने वाला है, इन लोगों की शरारत जो मंडिया में जो नागमंगला में जो हुई शरारत इन्होंने खुद किया था, इसका रिवेंज ये इसमें लेना बोलकर इनका टारगेट है, इनका निशाना है, वो इसमें नहीं आना। मैं अपील करता हूं सारे यूट्यूबरों से, जो सारे मीडिया पर्सन से मैं अपील करता हूं, वीडियोग्राफी बेहतरीन हो जाए, जो भी अब जो जुलूस जा रहा है
कोई हरकत कर रहा है, कोई ये कर रहा है, बोले तो उसके ऊपर जो हमें जरूरी है और कैमरे भी रहना जरूरी है जुलूसों में, और हमारा जो मजहब है अमन का मजहब है, हमें देख के गैर ईमान लाने वाले, हमें उस तरीके से चलने वाले, हमारी इबादत दूसरों को खलल ना होना, हमारे जो जुलूसों से दूसरे मजहब के ऊपर तकलीफ नहीं होना, हमारी वजह से कोई गैर हम पे गाली गुलौज नहीं करना, उस अंदाज से दरूद शरीफ के साथ में पढ़ते हुए साइलेंट हमें लोग, पुलिस का ताउन और पुलिस को साथ में लेकर, हिंदू भाइयों को साथ में लेकर ये जुलूस पूरा मुकम्मल हमें अमन और शांति के साथ गुजारना है, हमारे कर्नाटक की हिफाजत करना है। कर्नाटक शांति और तोटा बोलते हैं, यानी कि एक सुकून का एक मरकज है कर्नाटक, इसे इसमें आके इंतजार करने के वास्ते ये आरएसएस और वीएचपी बजरंग दल इन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, इसमें हमें लोग बहुत होशियार रहना। नौजवानों से अपील करता हूं, जो 16 साल 17 साल 14 साल 18 साल 20 साल के जो नौजवान आए, तुम्हारी हरकतों की वजह से बड़ों का अपने माँ बाप का सर नीचे ना झुकाओ, और हाथ में हथियार लेना, हाँ जो तेल लेके मुंह से फूंकना, डीजे बजाना, ये सब खत्म कर अमन से जो हमें ये जुलूस है इसे कामयाबी से हमें लोग ये करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बेंगलुरु सिटी की पुलिस से, कर्नाटक की पुलिस से, और बेंगलुरु के कमिश्नर माशाल्लाह बड़े सेकुलर हैं, हमें बार बार जाके उनसे जो भी हमारे होम के मसाइल आते हैं तो हमें कमिश्नर साहब से ये करते हैं। इस बार बहुत ही आपको खुद मालूम है क्या चाह रहे हैं आरएसएस बीजेपी वीएचपी, आप सेकुलर हैं, यहाँ की कर्नाटक की पुलिस सेकुलर है, ये अमन से ये जुलूस के वास्ते हमें कोऑपरेट करें, हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप रहे तो हम सेफ हैं, हमें बहुत भरोसा, हुकूमत से ज्यादा गवर्नमेंट से ज्यादा हमें पुलिस पे भरोसा है, इस कमीशन साहब पे भरोसा है, और ये एरिया जितने भी एरिया हैं, जो सर्कल हैं, जो डबल स्टार हैं, जो पीसी हैं, जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ये पीस से हमारा प्रोग्राम के वास्ते। ये आजकल क्या है, हमारे जो जितने भी एमएलए हैं, जो हमारे कायदीन बोल को हमारे बड़े समझकर, जिसे हमें बड़े बनाकर बिठाए, वो लोग के ऊपर आंखों पे पर्दा पड़ गया कि जब उनका इलेक्शन का वक्त आता है उस वक्त में हमें भाया हमें ऐसे हमें फलां बोल को आको हमारे अवाम के बीच में ठहर को इनो वोटा लेने का एक किचक सिक्को इंसो। जब हमारे ऊपर हालात आती है उस वक्त में इनको सिर्फ सियासत की सीट नजर आती है, सियासत की सीट के सिवा ना उनके सामने मजबूर पड़ी हुई माँ, मजबूर पड़ा हुआ बाप, बिल बिलाती हुई उसकी बेटी या बहन, ये उन लोगों को समझ में नहीं आती। अगर इतना सा इनको एहसास हो जाता तो इसी तरह से कई गांवों के अंदर, कई शहरों के अंदर ऐसे बिल बिलाते हुए कई माएं मिल जाती, कोई लीडर ऐसा नहीं बना कि जाकर उनको एक तसल्ली दें कि भाई ऐसे जो नौ एमएलए को जो हमें जिता को लेको है, एक उम्मीद लेको है, एक उम्मीद के साथ जिताए कि हमारी भी कुछ बातें होंगी, हमारे हक पर कोई इसके अंदर बातें होंगी, कई मुसीबत के ऊपर ये नौ मुसलमान आके खड़े होंगे। लेकिन आज हमें ये देखते हुए बड़ी शर्म आती है, बड़ा अफसोस होता है कि ये नौ एमएलए ना तो इनमें से एक के अंदर भी इनका जमीर नहीं जागया कि नागमंगल के अंदर जाकर देखे ना एक माँ को तसल्ली दे, ना एक बाप को तसल्ली दे, वो बिल बिलाती हुई माँ को देखे, ये इनके अंदर कोई, या मैं ये समझता हूं कि इनके अंदर का जमीर मर गया। दिखावे की कोई अगर कोई चीज हो या मीडिया सामने आ जाए तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती, ऐसा ऐसा दिखावा दिखाती कि इनसे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं भी गुजारिश करता हूं तमाम एमएलए से कि जाओ, कि जाकर वहां सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि मजलूम जो माजूर गैरों को भी इसके अंदर सपड़ को ही, कि हिंदू के भी घर को जाओ, कि मुसलमान के भी घर को जाओ, जाओ हमारी एक इंसानियत के नाते जो हमारा इस्लाम सर सिखा को है कि हर मजलूम के सर के ऊपर हाथ फिराओ, हर मजलूम के साथ खड़ो, कि तुम्हें इसके अंदर मजहब नको देखो, कि जाओ मुसलमान के घर को भी जाओ, गैर के भी घर को जाओ, कि जाओ कोई तसल्ली देखो ताकि उनको हिम्मत अफजाई मिले।